गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आजकल ना सोशल मीडिया पे ब्यूटी एंड फैशन के जो हैक्स है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि उन्हें इन वायरल हैक्स को ट्राई कर लिया जाए, देखते हैं यार इनमें से कितने हमारे काम के और कितने काम के नहीं है, बस ऐसे हवाबाजी बना रही है। तो आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप नहीं करा तो, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो चलिए इन वायरल हैक्स को टेस्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे सारी प्रिपरेशन कर ली है। ये वाला हैक देखने के बाद ना मुझे ऐसा लगा कि हम अपने बैंगल्स को इतना मल्टीपर्पसली यूज कैसे कर सकते हैं यार। तो इसने क्या करा है कि दो बैंगल्स लिए हैं और उसे अपने बालों पर पीछे ऐसे ट्विस्ट करते हुए बहुत ही बढ़िया सा हेयर स्टाइल बना दिया, मतलब रबर बैंड की भी जरूरत नहीं यार। तो चलो ट्राई करते हैं। तो इस हैक के लिए हमने ले लिए दो बैंगल्स, पिंक कलर के, बहुत ही प्रिटी लग रहे हैं और मेरे हेयर स्टाइल में थोड़े पॉप्ड अप भी लगेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। After so many trials, finally मुझे ये हेयर स्टाइल समझ आ गया। पहले तो मेरा ऐसा माइंड ब्लो हो गया था कि यार ये कर कैसे रही है, इतने सारे ट्रायल करे। एंड यू नो इसका इंस्टाग्राम रील्स वगैरह इन सब का एक ड्रॉबैक ये है कि इतने फास्ट फास्ट ये लोग हैक्स बताते हैं कि समझ ही नहीं आता है। तो मैंने बहुत ट्राई करा और ये हेयर स्टाइल बन गया। तो अच्छा है ये हेयर स्टाइल अगर किसी शादी ब्याह में ना आपका रबर बैंड या आपका कुछ पिन वगैरह लूज हो जाए, आपका हेयर स्टाइल हो जाए, तो अपने बैंगल्स निकाले और फटाफट से बढ़िया सा हेयर स्टाइल बना दिया अगर आपको समझ आ गया होगा तो। वैसे ही हैक अच्छा था। अब जो आप हैक देख रहे हो उसमें इस लड़की ने अपने शोल्डर बैग को इतने बढ़िया तरीके से यू नो ट्विस्ट करते हुए अपना वेस्ट बैग बना लिया। तो मैं बड़ी यू नो क्यूरियस हूँ कि ऐसा कौन सा वाला मेरा बैग होगा जिसके साथ मैं ये हैक ट्राई कर सकती हूँ। एंड मुझे फाइनली मिल गया। तो ये है मेरा क्रॉस बॉडी बैग। इसको यूजुअली मैं ऐसे लेना पसंद करती हूँ, पर कई बार होता ना कि मैं कुछ सामान ले रही हूँ या कुछ भी शॉपिंग कर रही हूँ ऐसे बार बार ड्रॉप हो जाता है। तो मैं सोचू कि ये थोड़ा नया तरीका है इसे स्टाइल करने का। लेट्स सी। तो हमें क्या करना है, ये जो वेस्ट बेल्ट है हमारी, सॉरी बैक की बेल्ट है, इसको ऐसे ट्विस्ट करना है एंड देन इसको आपको इस लूप में से ऐसे निकाल देना। बड़ा ईजी काम है, इस वाले को करने में मुझे टाइम भी नहीं लगा। ओके तो नाउ यू आर गुड टू गो। अब आप कहीं भी जा सकते हो एंड अपने फ़ोन को बहुत ईजी हो गया कि आपका फ़ोन आप यहाँ पे कैरी करके चलो, और किसी ये चोरी वोरी करने की भी कोई चिंता नहीं है, ऐसे सामने सब कुछ रहेगा, पैसा भी है, फ़ोन भी है। तो ये वाला हैक मुझे अच्छा लगा, आप इसे ट्राई करना पसंद करोगे कि नहीं मुझे ज़रूर बताना। सो गाइस आपने बहुत तरह की साड़ी ड्रेप करी होगी, लेकिन ये वाली साड़ी ड्रेप अगर आप करके कहीं बाहर चले गए मैं हैट्स ऑफ यार मैं मान जाऊंगी। तो यहाँ पे इस लड़की ने लाइक विद इन अ वन मिनट में साड़ी को बहुत ही गाउनिश वे में कैरी करा और उसमें कोई सिक्योरिटी ही नहीं लग रही है मुझे, लाइक सिर्फ प्लीट्स बनाए और उसको ऐसे टाइटली अपनी बॉडी अराउंड रैप कर लिया एंड दैट्स इट। तो मैंने कहा कि मैं भी ट्राई कर लेती, देखती कि उसके खुलने के कितने चांसेस हो सकते हैं। सो हियर वी हैव द अनटचेबल साड़ी। इसको मैंने मंगा तो लिया लेकिन आज से पहले पहना नहीं, इसका फैब्रिक ऑलमोस्ट उसके फैब्रिक से मैच कर रहा, तो मैंने सोचा यही साड़ी ट्राई कर लेते हैं। तो उस लड़की ने तो अपने अंडरवेयर में साड़ी को टक करा था, मैं अपने पैंट में रख लेती। नाउ हम फटाफट से इसकी प्लीट्स बनाएंगे। तो हमने बना ली है प्लीट्स, अब हम इसे करेंगे टक। अब ये जो पल्लू है वो कुछ आगे से ऐसा लगेगा, इसको हम ले जाएंगे एंड मैक्सिमम आपको इसे अपने वेस्ट अराउंड टाइट रखना है, जस्ट लाइक दैट। सो मेरी सारी
दो बार मैं इसे ड्रेव कर चुकी हूँ, स्टिल ये मुझे छोटी पड़ जा रही है, मुझे इसका मेजरमेंट समझ नहीं आ रहा है। यहाँ से ले जाने के बाद देन वो ना उसको ऐसे पीछे से रैप करके यहाँ लेकर आके एंड देन यहाँ पे टक करती है और उसका एक बहुत ही बढ़िया गाउन स्लैश साड़ी वो वेयर कर लेती है। पता नहीं इसकी कहीं भी कोई सिक्योरिटी नहीं है तो इसके यू नो खुलने के चांसेस भी ज़्यादा लग रहे हैं। और यहाँ पे कोई पिन भी नहीं की थी, बस ऐसे जस्ट फॉर्मल कैजुअल जो ड्रेप है वैसा था। तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आए ये साड़ी, साड़ी को साड़ी की तरह पहनना चाहिए था, इतना प्यारा साड़ी है मेरा, अच्छे से ड्रेप करना चाहिए। तो गाइस अगर आप सिंगल हो ना तो ये हैक आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। नहीं नहीं नहीं, आप इससे रिलेशनशिप में नहीं आओगे, बस आपको थोड़ा फैशन में हेल्प मिल जाएगी, सिंगल होने का भी फायदा हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि ये लड़की बता रही है अगर आपको ब्लाउज के हुक्स ऐसे नहीं लग रहे ना, यूजुअली हम सबसे नहीं लग पाते हैं, तो उसको क्या करना है कि ब्लाउज को उल्टा करके लगाना है। लाइक जैसे हम ब्रा समटाइम्स हम ब्रा भी ऐसे लगाते हैं तो ब्लाउज भी उसी वे में कैरी कर सकते हो। सो लेट्स सी, बिकॉज मुझे थोड़ा डाउट है इसमें हमारे स्लीव भी है ब्लाउज में, तो वो हम एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं, जो भी हॉच पॉच है वो तो करने के बाद ही पता चलेगा। मैं ब्लाउज लेकर आती हूँ। सो मैंने ले लिया है मेरा ब्लाउज और इसमें ज़्यादा लंबे स्लीव्स तो नहीं है, पर जितने इसी से काम चला देते हैं यार। तो पहले मैं इसे अनहुक कर लेती हूँ और अब हम इसे पहनेंगे उल्टा। तो हमने हुक्स लगा लिए, अब हमें ब्लाउज को ऐसे शिफ्ट करना है। ओ माय गॉड, अगर ये पहन लिया ना तो सिंगल लोगों का भला हो जाएगा। आउच, मेरा ब्लाउज टाइट है। ओ माय गॉड, डिड यू सी दैट? मैंने खुद से अपना ब्लाउज पहन लिया। सी, तो चलो मैं इसकी डोरी भी खुद से ही लगा देती हूँ। And you are done, guys. मेरा ब्लाउज मैंने खुद से पहन लिया बिना किसी की हेल्प के एंड बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे तो। मैंने कहा था ना सिंगल लोगों का भला हो जाएगा इस हैक से, हो गया भला। यानी जो नेक्स्ट हैक है ना इसको ट्राई करने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली ना ये ही का ये जो बैंड वाला इशू है वो हमेशा होता है और मैं सोचती बस कि कुछ तो हो इसका सॉल्यूशन। तो देखते हैं, इसने बड़ी बढ़िया तरीके से इसको टाई कर लिया है, तो मैं भी अपनी हील्स लेकर आती हूँ और ट्राई करके देखती हूँ। चल गया होगा कि आपकी जैसे स्ट्रिंग वाली जितनी भी हील्स है उसको आपको नेक्स्ट टाइम कैसे पेयर करना है। मुझे तो बड़ा मजा आया इसको ट्राई करने में एंड थैंक गॉड मुझे इसका सॉल्यूशन मिल गया यार। मैं कब से इधर से उधर भटक रही थी, भटकती रही थी मतलब बस सही नहीं था। सो गाइस ये थे कुछ सोशल मीडिया के वायरल ब्यूटी एंड फैशन हैक्स, कुछ हिट थे कुछ मिस हो गए, कोई बात नहीं। आपको ये वायरल ट्रेंड कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना और इनमें से कौन सा वाला हैक आपको सबसे ज्यादा पसंद आया ये भी बता देना। और सो जाते जाते अगर आप वीडियो को लाइक करना भूल गए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्या पता किसी के काम आ जाए यार इनमें से कोई हैक। और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और मैं मिलती हूं आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। I'm off.